माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के विशेष उल्लेख प्रस्ताव नियम 2095 के अंतर्गत सूचना। महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र कपासन में तथा कपासन के आसपास के इलाकों में प्रदूषण फैलाने वाले कई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होकर संचालित हैं, जिससे हवा, पानी, भूमि तथा भूगर्भ का जल दूषित हो रहा है, जो चिंता का विषय है। कपास विधानसभा क्षेत्र में तथा आसपास के क्षेत्रों में प्रदूषण फैलाने वाले कारखाने लगे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से गणपति फर्टिलाइजर निम्बाड़ा, जुबिलेंट सुपरफास्फेट उद्योग सिंहपुर, सुपरफास्फेट उद्योग सनवाड़। उक्त सभी उद्योगों से हवा, पानी, पेड़ पौधे, फसलें तथा भूमि का जल खराब हो रहा है। वर्षा के मौसम में उक्त उद्योगों के चलाने से एसिड युक्त हवा मौसम में घुलने के कारण कारखानों के पास की फसलें खराब होती हैं तथा उद्योगों को तथा लोगों को श्वास लेने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सिंहपुर, बनाकिया खुर्द, झुपड़िया, समरतपुरा, निम्बाड़ा, बेणीपुरिया, केसरखेड़ी, खेड़ी, हुमलवास की खेड़ी, सनवाड़, जोजों का खेड़ा आदि गांव में फसलों के खराब होने की शिकायतें किसानों द्वारा जिला कलेक्टर महोदय, उपखंड अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारियों को की गई। ज्ञापन व धरने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसानों की फसलें खराब होने के बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं दिया जाता है। कपासन रिको क्षेत्र में केमिकल की फैक्ट्री से निकलने वाले दूषित पानी को बोरिंग में छोड़ने से भूमि का जल खराब हो रहा है। जांच करवा कर दूषित जल छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को बंद करवाने की कार्रवाई कराने का श्रम करें। उपरोक्त सभी उद्योगों की जांच करवा कर पर्यावरण विभाग, कृषि विभाग, प्रशासनिक अधिकारियों की कमेटी बनाकर की जावे, ताकि जनजीवन, वनस्पति, पर्यावरण को सुरक्षित रखा जावे। धन्यवाद।